वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 11 सी ऑफ आर्य अग्रवाल को सॉल्व करेंगे जो बेस्ड है मेरा रॉल्स थ्योरम पे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा, वेरीफाई रॉल्स थ्योरम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है रॉल्स थ्योरम। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑन माइनस वन से वन, मेरा इंटरवल है। ठीक है, तो रॉल्स थ्योरम आप पढ़े ही होंगे, पिछले वीडियो हमने जो डाला है वो रॉल्स थ्योरम पे ही है, तो यदि आपने नहीं देखा है तो आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए पहले हम इसमें हम रॉल्स थ्योरम को वेरीफाई करते हैं। रॉल्स थ्योरम में फर्स्ट कंडीशन मेरा क्या शो करना पड़ता है, कंटिन्यूअस। तीन कंडीशन है, फर्स्ट कंटिन्यूअस शो करना पड़ता है, जो गिवन फंक्शन है उसको हमको कंटिन्यूअस शो करना पड़ता है। फर्स्ट मेरा ये कंडीशन हो गया। एफ एक्स मेरा क्या है, एक्स स्क्वायर है। ठीक है, ये मेरा क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, तो मेरा क्या होगा, सारे पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, इसीलिए मेरा क्या हो जाएगा, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यू, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस। और दूसरा में कंडीशन होता है मेरा कंटिन्यूअस, पहले आपको जो गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस शो करना पड़ेगा उसका डिफरेंशिएबल भी शो करना पड़ता है। ठीक है, एफ डैश एक्स मेरा क्या हो जाएगा, टू एक्स हो जाएगा। ठीक है, ओपन इंटरवल में माइनस वन से वन, कंटिन्यूअस मेरा क्लोज इंटरवल में होना चाहिए माइनस वन से वन। ठीक है, ओपन इंटरवल में मेरा डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक है, एफ डैश एक्स टू एक्स मेरा, देखिए सारे इस बीच में हम कोई भी वैल्यू डालेंगे, यहाँ पे जीरो डाले चाहे वन बाई टू डाले कुछ भी डाले, तो मेरा एफ डैश एक्स क्या हो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो मेरा एफ डैश एक्स मेरा डिफरेंशियबल फंक्शन हो गया। ठीक है, एफ डैश एग्जिस्ट कर रहा है इन बिटवीन द गिवन डोमेन। ठीक है, तो मेरा एफ डैश एक्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, आपको पता होना चाहिए एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशियबल एवरीवेयर। ठीक है, तो मेरा आपका पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशियबल है। ठीक है, तो अब थर्ड कंडीशन मेरा होता है एफ ए इक्वल टू एफ बी, ए यहाँ पे क्या है माइनस वन, बी मेरा क्या है वन, तो हम एफ ऑफ माइनस वन निकालेंगे, मेरा कितना आ जाएगा, एक्स के यहाँ पे माइनस वन डाले तो माइनस वन का होल स्क्वायर वन आ गया, उसी तरह एफ ऑफ वन निकालेंगे तो मेरा कितना वन का होल स्क्वायर वन आ जाएगा। तो एफ एफ माइनस वन इक्वल टू एफ ऑफ वन। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई, सेकेंड भी, थर्ड भी, तो मेरा क्या हो जाएगा, हेंस रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, ये हो गया क्वेश्चन नंबर वन मेरा सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ, इसको आप लिख ले पहले पॉज करके वीडियो, चलिए हम इरेज करते हैं अब इसको। क्वेश्चन नंबर टू है, सेम उसी तरह का है, आपको वेरीफाई करना है रॉल्स थ्योरम को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर टू है मेरा, सिर्फ फंक्शन चेंज है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ट्वेल्व इन माइनस थ्री से फोर के बीच में। ठीक है, फर्स्ट हम क्या करेंगे, सो कंटिन्यूटी से करेंगे, फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, कंटिन्यूअस शो करेंगे। तो एफ एक्स मेरा क्या है, एफ एक्स यहां पर तो दिया हुआ, ये है मेरा पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल, सारे पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा सही हो गया, मेरा एफ एक्स मेरा कंटिन्यूअस फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन है, मीन्स ये कंटिन्यूअस। ठीक है, सेकेंड मेरा चलते हैं, शो करना है डिफरेंशिएबल, एफ डैश एक्स पहले फाइंड कर लेते हैं क्या हो जाएगा, एफ एक्स मेरा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ट्वेल्व है, तो एफ डैश एक्स मेरा हो जाएगा टू एक्स माइनस वन। ठीक है, अब देखिए हमारा ओपन इंटरवल माइनस थ्री से फोर के बीच में कोई भी वैल्यू डाल के चेक करेंगे, ये मेरा इनफिनाइट नहीं आएगा, मीन्स नॉट डिफाइंड नहीं आएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा एग्जिस्ट कर रहा है इन बिटवीन दी ओपन इंटरवल माइनस थ्री टू फोर। ठीक है, इसीलिए मेरा डिफरेंशिएबल हो गया, और आपको पता होना चाहिए पॉलिनोमियल फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस होता है और डिफरेंशिएबल होता है, पिछले वीडियो में, पिछले भी
क्वेश्चन में बताया, ठीक है। तो ये मेरा डिफरेंशिएबल भी हो गया। अब थर्ड में हम शो करते हैं एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, ठीक है। तो ए मेरा माइनस थ्री है, बी मेरा फोर है, तो एफ ऑफ माइनस थ्री फाइंड कर लेते हैं। तो मेरा क्या हो जाएगा, एक्स के माइनस थ्री डाली तो माइनस थ्री का होल स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस थ्री माइनस ट्वेल्व, ये मेरा हो जाएगा कैलकुलेट के नाइन प्लस थ्री माइनस माइनस प्लस माइनस ट्वेल्व, मीन्स नाइन प्लस थ्री ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व जीरो। फिर एफ ऑफ थ्री फाइंड करेंगे तो थ्री स्क्वायर माइनस थ्री माइनस ट्वेल्व, ये हो जाएगा नाइन एफ ऑफ फोर है, सॉरी यहाँ बी मेरा फोर है, यहाँ फोर एक्स फोर डाल देंगे, फोर स्क्वायर माइनस फोर माइनस ट्वेल्व, ये मेरा हो जाएगा सिक्सटीन माइनस फोर माइनस ट्वेल्व, मीन्स सिक्सटीन माइनस सिक्सटीन मेरा जीरो, ठीक है। एफ ऑफ माइनस थ्री इक्वल टू एफ ऑफ फोर हो गया, ठीक है। तो मेरा थर्ड कंडीशन भी मेरा तीनों कंडीशन मेरा सेटिस्फाई हो गया, इसीलिए मेरा हेंस रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड, इसीलिए मेरा रॉल्स थ्योरम वेरीफाई हो गया, ठीक है। आप इसको लिख लें अच्छे से, समझ जाए आप अच्छे से, तो लिखने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, सब क्वेश्चन इसमें सेम इसी तरह का है। चलिए अब हम इसको इरेज करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर थ्री पे जाते हैं, वो भी सेम इसी तरह का है, आप अपने से ट्राई कीजिए। एफ एक्स इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इन टू से थ्री के बीच में हमको इसको रॉल्स थ्योरम वेरीफाई करना है, ठीक है। तो हम क्या पहले फर्स्ट में हम क्या चेक करेंगे, कंटिन्यूअस, ठीक है। एफ एक्स मेरा क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। इसीलिए मेरा क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यूअस प्लस इंटरवल टू टू, ठीक है। उसी तरह सेम मेरा हमारा दूसरा डिफरेंशिएबल शो करना पड़ता है, रॉल्स थ्योरम में हमको तीन कंडीशन शो करना पड़ता है, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल और एफ ए इक्वल टू एफ बी। डिफरेंशिएबल एफ डैश एक्स फाइंड कीजिए, क्या आ जाएगा टू एक्स माइनस फाइव, अब इसको हम चेक कर लेते हैं ओपन टू से थ्री के बीच में ये कहीं अनडिफाइंड तो नहीं हो रहा है, ठीक। कोई वैल्यू डाल के चेक करेंगे आप, ये अनडिफाइंड नहीं आएगा, ठीक है। एफ डैश एक्स इसीलिए मेरा एग्जिस्ट कर रहा है और ये पॉलीनोमियल फंक्शन भी है, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये डिफरेंशिएबल। दो कंडीशन आप अपने से चेक कर लें, ये डिफरेंशिएबल। अब थर्ड में हमारा है एफ ए इक्वल टू एफ बी, ये हुआ है, ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया, ठीक है। एफ ऑफ टू इक्वल टू टू यहां डालिए तो टू स्क्वायर माइनस फाइव इंटू टू प्लस सिक्स, मीन्स फोर माइनस टेन प्लस सिक्स, मीन्स सिक्स प्लस फोर माइनस टेन, ये जीरो हो जाएगा। सेम उसी तरह एफ ऑफ थ्री मेरा कितना हो जाएगा, थ्री स्क्वायर माइनस फाइव इंटू थ्री प्लस सिक्स, ये हो जाएगा नाइन माइनस फिफ्टीन प्लस सिक्स, मेरा पंद्रह माइनस पंद्रह जीरो, ठीक है। इसीलिए मेरा क्या हो जाएगा, एफ ऑफ टू इक्वल टू एफ ऑफ थ्री, तो हेंस आपका तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, हेंस रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम फोर लेते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं, आप इसको तब तक लिख दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर सेम इस तरह का है, क्वेश्चन नंबर फोर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस एटीन इन माइनस थ्री से सिक्स, इसको भी क्या करना है, रॉल्स थ्योरम वेरीफाई करना है इस फंक्शन के लिए कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं रॉल्स थ्योरम। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट सॉल्यूशन, फर्स्ट हम कंटिन्यूअस चेक करेंगे, एफ एक्स मेरा क्या है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस एटीन, ये मेरा पॉलिनोमियल फंक्शन है,
फंक्शन इसीलिए मेरा क्या होगा कंटिन्यूअस होगा क्योंकि एवरी पॉलीनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस है ठीक है तो मेरा एक कंटिन्यूअस न्यूअस इन क्लोज इंटरवल माइनस एवरी वर कंटिन्यूअस तो मेरा ये जो गिवन आपका डोमेन दिया हुआ है उसमें भी कंटिन्यूअस हो ठीक है तो चलिए अब हम कंटिन्यूअस शो कर दिए सेकेंड में हम डिफरेंशिएबल शो करते हैं एफ डैश एक्स फाइंड कर लेते हैं पहले एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 ठीक है अब इस ओपन इंटरवल में हम चेक करते हैं माइनस 3 से 6 के बीच में कोई वैल्यू डाल के चेक कीजिए आपका ये अनडिफाइंड नहीं आएगा ठीक है मींस इनफिनिट नहीं है इसलिए हमारा एग्जिस्ट कर रहा है चेक करना पड़ता है ठीक है आप खुद से चेक कर सकते हैं तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा और आपको पता है पॉलीनोमियल फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है ठीक है ये भी दोनों कंडीशन ये है तो मेरा एफ डैश एग्जिस्ट कर रहा है मेरा ये डिफरेंशिएबल दो सो हो गया मेरा कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल उसके बाद क्या होगा बताइए थर्ड अप एफ ए इक्वल टू एफ बी सो एफ ऑफ ए ए मेरा माइनस 3 हो जाएगा ये मेरा बी अब मेरा एफ ऑफ माइनस 3 सो कर लेते हैं कितना फाइंड कर लेते हैं तो माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 3 माइनस 18 ये मेरा 9 हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस 3 इंटू 3 9 माइनस ये मेरा f ऑफ 6 फाइंड कर लेते हैं मेरा 6 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 6 माइनस 18 ये मेरा 36 माइनस 18 माइनस 18 36 माइनस 36 मेरा 0 तो मेरा बताइए क्या हो गया f ऑफ माइनस 3 इक्वल टू f ऑफ 6 हो गया f इक्वल टू f भी आ गया तो मेरा क्या हो जाएगा हेंस रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड तीनों कंडीशन मेरा सेटिस्फाई हो गया तो मेरा रॉल्स थ्योरम वेरीफाई हो गया चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आप इसको वीडियो पॉज करके इसको लिख लें ठीक है क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इन 1 से 3 के बीच में ठीक है इसमें भी क्या करना है रॉल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है ठीक है तो हम रॉल्स थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा फर्स्ट आपको कंटिन्यूटी कंटिन्यूअस शो करना पड़ेगा उसका डिफरेंशिएबल उसके बाद एफ ए इक्वल टू एफ बी फर्स्ट मेरा हम कंटिन्यूअस शो करते हैं एफ एक्स मेरा क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ये क्या है पॉलिनोमियल फंक्शन है पॉलीनोमियल फंक्शन है तो पॉलीनोमियल फंक्शन क्या होता है कंटिन्यूअस एवरीवेयर होता है एंड डिफरेंशिएबल भी होता है कंटिन्यूअस हो गया ठीक है पॉलीनोमियल फंक्शन है कंटिन्यूअस हो गया ठीक है तो फर्स्ट कंडीशन मेरा शो हो गया दूसरा में क्या है डिफरेंशिएबल शो करना डिफरेंशिएबल एफ डैश एक्स मेरा कितना होगा यहाँ से 2x माइनस 4 देखिए चेक कीजिए वन क्लोज इंटरवल ओपन सॉरी ओपन इंटरवल माइनस 1 से 3 के बीच में ये कहीं अनडिफाइंड तो नहीं हो रहा है कोई भी वैल्यू आप चेक करेंगे ये अनडिफाइंड नहीं आएगा ठीक है तो इसलिए एफ डैश एक्स एग्जिस्ट कर रहा है और पॉलीनोमियल फंक्शन है तो पॉलीनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल भी होता है ठीक है एक ही बात को हम बार बार कर रहे हैं आपको समझ में आ जाए चलिए तो ये हो गया दोनों शो हो गया मेरा कंटिन्यूअस भी डिफरेंशिएबल भी थर्ड मेरा शो करना होता है बहुत ही ईजी है एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी ये मेरा ए हो गया ये मेरा बी हो गया तो एफ ऑफ वन इक्वल टू अब एफ ऑफ वन निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक एक्स के जगह पे वन डाल दे वन स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 3 तो 1 माइनस 4 प्लस 3 3 प्लस 1 4 माइनस 4 0 हो जाएगा सेम उसी तरह एफ ऑफ 3 फाइंड कर लेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 3 ये हो जाएगा 9 माइनस 12 प्लस 3 ये मेरा आ जाएगा 12 माइनस 12 0 तो इसीलिए बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा f ऑफ 1 0 आया इक्वल टू f ऑफ 3 सो हो गया f a इक्वल टू f b तीनों कंडीशन में मेरा सो हो गया कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल और
एफ ए इक्वल टू एफ बी, तो हेंस मेरा रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया, सब एक ही है, सब पॉलीनोमियल फंक्शन ही है, तो कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल तो होगा ही, बस आपको ये वाला आपको एफ ए इक्वल टू एफ बी आपको फाइंड करना पड़ता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स है एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस फोर का होल स्क्वायर इन 0 से 4 के बीच में। ठीक है, सेम उसी तरह हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन फर्स्ट चेक करेंगे कंटिन्यूटी कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो एफ एक्स मेरा क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस फोर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा क्या है, पॉलीनोमियल फंक्शन है, ये मेरा पॉलीनोमियल फंक्शन है, तो मेरा कंटिन्यू सब में एक ही रीजन है आपका, सब पॉलीनोमियल फंक्शन है, तो मेरा कंटिन्यूअस भी होगा। ठीक है, ये मेरा कंडीशन फर्स्ट हो गया। सेकेंड में डिफरेंशिएबल, ठीक है, एफ एक्स मेरा जो दिया हुआ है ये मेरा एक्स इंटू एक्स माइनस फोर का होल स्क्वायर है। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स इसका एक्स स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर दीजिए माइनस फोर टू द एट एक्स, मेरा हो जाएगा एक्स क्यू प्लस 16x माइनस 8x। ठीक, एफ एक्स हो गया, मैं एफ डैश एक्स फाइंड करके देखते हैं, तो मेरा 3x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8 दूना 16x। ठीक, आप देखिए अब इसको किस इंटरवल में, ओपन इंटरवल 0 से 4 में चेक कर लीजिए कोई सा भी वैल्यू डाल के, ये मेरा एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो मेरा डिफरेंशिएबल होगा, पॉलीनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, तो इसीलिए मेरा ये डिफरेंशिएबल, एफ डैश एक्स एग्जिस्ट भी कर रहा है, डिफरेंशिएबल। अब हम चलते हैं थर्ड कंडीशन पे, ये मेरा शो हो गया एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ ए के जगह पर क्या है, यहाँ 0 है और बी के जगह 4 है, एफ ऑफ 0 फाइंड कर लेते हैं, तो 0 इंटू एक्स के जगह पर 0 डालिए, ये 0 इंटू 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। ठीक, उसी तरह एफ ऑफ 4 डालेंगे तो मेरा आ जाएगा 4 इंटू 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर मीन्स 4 इंटू 0 मीन्स 0 आ जाएगा। ठीक है, एफ ऑफ 0 इक्वल टू एफ ऑफ 4 आ गया, हेंस एफ ए इक्वल टू एफ बी आ गया, हेंस रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया, सेम इसी सेम बेसिक कॉन्सेप्ट पे है। क्वेश्चन नंबर, चलिए 7 पे हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 7x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 12 इन 2 से 3 के बीच। फर्स्ट हम क्या सॉल्व करेंगे, यहां कंटिन्यूअस चेक करेंगे, कंटिन्यूअस। ठीक है, तो fx मेरा क्या है, fx इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 7x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 12, ये मेरा पॉलीनोमियल फंक्शन है, ये मेरा ये कंटिन्यूअस। ठीक है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा इनक्लोज इंटरवल 2 से 3, पॉलीनोमियल फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। ठीक, सेकेंड में हम आते हैं डिफरेंशिएबल शो करना है, एफ डैश एक्स फाइंड कर लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 7 × 14x प्लस 16। अब हम ओपन इंटरवल 2 से 3 में फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा इसमें कोई भी वैल्यू डाल के चेक करेंगे 1, या ये मेरा क्या अनडिफाइंड नहीं आ सकता है। ठीक है,
मेरा क्या आ जाएगा, ये एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो हमारा ए प्लस एग्जिस्ट कर रहा है, मीन्स डिफरेंशिएबल हो गया। चलिए थर्ड में जाते हैं, मेरा क्या हो जाएगा, फर्स्ट कंडीशन हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड में आएंगे, एफ ए इक्वल टू एफ बी शो करना पड़ता है। ए के जगह पर यहाँ क्या है, टू है, बी के जगह पर थ्री है। एफ ऑफ टू फाइंड करेंगे तो मीन्स टू का क्यू, ए एक्स के जगह पर टू डालिए, माइनस सेवन इंटू टू का स्क्वायर प्लस सिक्सटीन इंटू टू माइनस ट्वेल्व, मीन्स एट माइनस सात इंटू टू फोर, पचो अट्ठाईस प्लस बत्तीस माइनस बारह, ठीक है, ये मेरा बत्तीस आठ चालीस हो गया, चालीस माइनस चालीस। एफ ऑफ हम थ्री फाइंड करते हैं, थ्री क्यू माइनस सेवन इंटू थ्री स्क्वायर प्लस सिक्सटीन इंटू थ्री माइनस ट्वेल्व, ये मेरा हो जाएगा ट्वेंटी सेवन, तिरसठ, अड़तालीस माइनस ट्वेल्व, ठीक है, ये हो जाएगा चालीस, बीस साठ, पचहत्तर हो जाएगा, ये भी पचहत्तर, पचहत्तर माइनस पचहत्तर जीरो, ठीक है। तो मेरा एफ ऑफ टू इक्वल टू एफ ऑफ थ्री आ गया, मीन्स इक्वल टू जीरो, ठीक, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी आ गया, हेंस रॉल्स थ्योरम इज, हेंस रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट सॉल्व करते हैं, सेम उसी तरह का है, इसको भी जल्दी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर एट है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फोर एक्स माइनस एट्टी इन माइनस फोर से फाइव के बीच में इसको शो करना, ठीक है, रॉल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है, ठीक है। तो हम चलते हैं, फर्स्ट हम चेक करेंगे कंटिन्यूअस, ठीक है, एफ एक्स मेरा क्या है, एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फोर एक्स माइनस एट, ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन, सब पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस, ठीक है, इसीलिए मेरा ये कंटिन्यूअस फंक्शन इन पोलोजेंटर माइनस फोर से फाइव, ठीक है, फर्स्ट हो गया मेरा। सेकेंड में हमको डिफरेंशिएबल शो करना पड़ता है, एफ डैश एक्स फाइंड कर लेते हैं, तो थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस ट्वेंटी फोर, अब इसमें देखते हैं इन किस में, ओपन इंटरवल माइनस फोर से फाइव के बीच में कोई वैल्यू डाल के चेक कीजिए, किसी को अनडिफाइंड नहीं आएगा, ठीक है, इनफिनिटी नहीं आएगा, तो मेरा क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो मेरा एफ एक्स मेरा डिफरेंशिएबल हो जाएगा। और दूसरा रीजन आप ये भी दे सकते हैं, क्या होता है, एफ एक्स मेरा कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है, पॉलीनोमियल होगा तो मेरा क्या होगा, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। थर्ड में मेरा होगा शो करना पड़ता है, एफ ए इक्वल टू एफ बी, ए यहाँ पे क्या है, माइनस फोर है, बी मेरा फाइव है, एफ ऑफ माइनस फोर फाइंड करेंगे तो मेरा माइनस फोर का क्यूब प्लस थ्री इंटू माइनस फोर का होल स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फोर इंटू माइनस एक्स का माइनस फोर डालिए माइनस एट, ये मेरा आ जाएगा चार चौबीस सोलह चौसठ, माइनस चौसठ, ये मेरा आ जाएगा सोलह तीन अड़तालीस छियानवे माइनस अस्सी, ठीक है, ठीक है, अस्सी साठ मेरा एक सौ चौवालीस आ जाएगा यहाँ से, और ये आ जाएगा ये भी मेरा एक सौ चौवालीस, ये मेरा जीरो आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह एफ ऑफ फाइव हम फाइंड करेंगे तो फाइव क्यू प्लस थ्री इंटू फाइव स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फोर इंटू फाइव माइनस एट्टी, ये हो जाएगा मेरा एक सौ पच्चीस, पाँच में पच्चीस थे पचहत्तर माइनस एक सौ बीस, ये मेरा दो सौ, ये आ जाएगा दो सौ माइनस दो सौ जीरो, ठीक है, इसीलिए मेरा एफ ऑफ माइनस फोर इक्वल टू एफ ऑफ फाइव हो जाएगा इक्वल टू जीरो, ठीक है, मेरा एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी आ गया, तो हेंस रॉल्स थ्योरम इज
वेरीफाइड, ठीक है। सेम इसी तरह है क्वेश्चन नंबर आपका 9 और 10, ठीक है, सेम इसी तरह का है आपको, आप खुद से भी ट्राई करें। इस वीडियो में बस इतना ही, यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, विचारों को सब्सक्राइब करना।